In today's video, we will see the titration of oxalic acid against kemenophore. So our aim is to prepare M/20 solution of oxalic acid, and with its help, we will find out the molarity and strength of given solution of potassium permanganate. So सबसे पहले हमें निकालना है कितना अमाउंट ऑक्जेलिक एसिड का वे करेंगे. सो द फार्मूला इज मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इंटू वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी. सो मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 126, वॉल्यूम वी कैन टेक 500 ml, एंड मोलैरिटी गिवन इज M/20, सो टेक 1/20. सो ml में था तो 1000 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट आएगा हमारा 3.2 ग्राम. सो क्या करना है सबसे पहले आपको, सो टेक दिस ऑक्जेलिक एसिड पाउडर एंड वेट ऑन द वेइंग मशीन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, वी विल सी जीरो ऑन दिस मशीन. ओ वेट टिल जीरो कम्स. जब हम ये वेट ग्लास रखेंगे, वॉच ग्लास, तो इसका वेट आएगा. आप टेयर का बटन दबा देंगे तो जीरो रीडिंग आ जाएगी. अब आपको इसमें 3.2 ऑक्सैलिक एसिड वे कर लेना है. देखिए 3.2 वेट कर लिया ऑक्सैलिक एसिड का. मेल ऑफ वाटर, हियर द मेजरमेंट्स आर गिवन. दिस इन दिस 500 ml ऑफ वाटर वी विल पोर दिस ऑक्सैलिक एसिड. And mix it well. So this is the M/20 solution of oxalic acid in 500 ml of water. That solution of oxalic acid now pipette से आप 20 ml suck करके titrating flask में ले लेंगे. इसमें हमने 20 ml oxalic acid ले लिया है. Now इसमें हम डालेंगे 1/2 test tube dilute sulfuric acid. हाफ, मोर देन हाफ भी ले सकते हैं. बता दो ऊपर करके बताओ. थोड़ा और लो, थोड़ा सा और लो. इतना एम एल सल्फ्यूरिक एसिड लेकर जो ऑक्सैलिक एसिड 20 ml लिया है इसमें मिक्स कर देंगे. ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स सॉल्यूशन है जो हमने गर्म होने रख दिया है. इसे 5 मिनट तक 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करने देंगे. 5-6 मिनट गर्म करने के बाद हम इसे टाइट्रेशन शुरू करेंगे. इस ब्यूरेट में हमने केमेनोफोर भरा हुआ है, अननोन क्वांटिटी का, अननोन स्ट्रेंथ का. इसे जीरो तक फिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे. इसे इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे जब तक कि लाइटेस्ट पिंक कलर नहीं आ जाए. दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, लाइटेस्ट पिंक कलर, और ये आया है हमारी रीडिंग. नाउ दिस इज द डिटेल ऑफ राइटिंग दिस प्रैक्टिकल. एम केमिकल इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, रिजल्ट. कैलकुलेशंस देखेंगे हम. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, वेट ऑफ वॉच ग्लास लिया था 3 ग्राम, देन वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस ऑक्सैलिक एसिड 6.2 ग्राम. 6.2 में से 3 माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ गया 3.2 ग्राम. देन वॉल्यूम प्रिपेयर्ड जो था 500 ml में मिलाया था हमने 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में M/20, जो भी मोलैरिटी हो यहाँ पर चेंज हो सकती है. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पिपेट से हमने 20 ml लिया था, वो 20 ml यहाँ लिखा हमने. नाउ दिस इज ब्यूरेट रीडिंग. फर्स्ट हमने इनिशियल जीरो से शुरू करा था और एंड पॉइंट हमारा 18.5 पे आया था.
सेकेंड हमने ब्यूरेट को अगेन जीरो पे फिट कर दिया था, फिल कर दिया था और 18.5 पे रीडिंग आई और थर्ड में भी सेम हुआ। सो हमारी ब्यूरेट की जो रीडिंग है वो है 18.5। नाउ कैलकुलेशन, सिंस हम दो चीज़ों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर सॉल्यूशन। सो फार्मूला बनता है केमेनोफोर, मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर इनटू वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर अपॉन मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। सो मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर हमको निकालनी है, वॉल्यूम हमारा जो है केमेनोफोर का यहाँ से 18.5 आया था, हमने वो रख दिया है। मोलैरिटी ऑक्जिक एसिड की 1/20 दी हुई थी और वॉल्यूम ऑक्जेलिक एसिड का 20 ml लिया था। इस तरह से हमने यदि सॉल्व किया है तो मोलैरिटी आई है, मोलैरिटी केमेनोफोर की आई 0.022 mol। नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर सॉल्यूशन। सो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी ऊपर से 0.22 और मोलर मास 150 है। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर सॉल्यूशन विच इज़ वी हैव शोन इन रिजल्ट।